सीतामऊ पुलिस द्वारा दो दिन पूर्व चोरी की गई जेसीबी मशीन आरोपी से जब्त की। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मंदसौर जिले की विशेष खबर। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को चोरी, नग बजनी तथा अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु एवं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में दिनांक 20/5/2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोड़ महेंद्र तारनेकर के नेतृत्व में SDOP सीतामऊ शेर सिंह भूरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सीतामऊ निरीक्षक दिनेश प्रजापति द्वारा दिनांक 17/5/2022 को भार्गव पेट्रोल पंप के सामने से चोरी की गई जेसीबी मशीन को CCTV कैमरा फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जानकारी प्राप्त कर चोरी का पर्दाफाश करते हुए आरोपी राम सिंह पिता शोभ सिंह राजपूत निवासी गुड़ा, लाल सिंह पिता मोती सिंह सोंधिया राजपूत निवासी लखू पिपलिया, गोपाल सिंह पिता तेजू सिंह सोंधिया राजपूत निवासी कन्ना खेड़ी थाना गंगाधर के कब्जे से चोरी की गई जेसीबी मशीन कुल कीमती 25 लाख रुपए की जब्त की गई व आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में पूछताछ जारी है। जब्त माल जेसीबी मशीन क्रमांक MP14 GC2311 कीमती 25 लाख रुपए। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक दिनेश प्रजापति, उप निरीक्षक शिवांशु मालवी, थाना प्रभारी सुवासरा, उप निरीक्षक JS दामोर, उप निरीक्षक विजय पुरोहित, उप निरीक्षक संजय प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक साइबर सेल आशीष बेरागी, प्रधान आरक्षक दिलावर सिंह, प्रधान आरक्षक संजीव त्रिवेदी, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह चालक, आरक्षक रंजीत सिंह, आरक्षक विक्रम सिंह, आरक्षक विजय सिंह, आरक्षक नरेंद्र सिंह, आरक्षक अरुण शर्मा, आरक्षक दीपांशु चंदेरिया, सैनिक नरेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।